अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये डे 4 है डेली व्लॉगिंग का, एंड मैंने बीच में एक दिन की गैप ले ली क्योंकि गणेश चतुर्थी थी और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और गणेश चतुर्थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। सो हमारे घर के पास में भी काफ़ी सारे पांडाल लगे थे, तो इसकी वजह से मैं एक दिन की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस दिन बहुत शोर और ये सब हो रहा था। तो मैंने सोचा नहीं बनाते, एक दिन की वीडियो की गैप कर देते। सो यहाँ मैं बनाने लगी थी जी ब्रेकफास्ट, एंड अम्मी वैसे खाना बनाती है बट उस दिन बैंगन का भरता बनाना था, तो मैं ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बनाती हूँ। तो अम्मी ने बोले तू ही बना ले, तो यहाँ पे मैं बैंगन का भरता बना रही थी। इसमें मैंने बीच में इस टाइप से कट लगाया, एंड बीच बीच में इसमें मैंने लहसुन डाला, लहसुन जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस टाइप का अगर बैंगन का भरता बनाओगे ना गाइस, तो आपका जो बैंगन का फ्लेवर है ना, मतलब ऑथेंटिक चूल्हे पर बना बैंगन वैसा लगेगा ये, क्योंकि मैं इसको ना एक एक करके चूल्हे पर नहीं जलाती, उससे ना गैस बहुत ज़्यादा जाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं सबको इकट्ठे एक पैन में डाल देती हूँ, बिना आपको पानी डाले, सिर्फ तेल लगाना है बैंगन को, टमाटर को, और वो उसको उस पर रख दो गैस पे, और उसमें जो धुएँ निकलते हैं ना, वो धुएँ में वो पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे सारे बैंगन सॉफ्ट हो गए थे, मैंने इसमें दो टमाटर भी डाल दिए, तो सारा ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसको निकाल के इसका छिलका निकाल लूँगी एंड फिर इसको हम मैश कर लेंगे। सो इस तरीके से अगर आप बैंगन का भरता बनाओगे ना, आपका बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप वो चूल्हे वाला बैंगन का भरता खा रहे हो। तो ये एक ट्रिक है, वैसे तो हर किसी को बनाना आता है बट हर किसी का अलग अलग तरीका भी होता है। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं इस टाइप की चीज़ें, मुझे वैसे कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिनको अंडा भी बनाना नहीं आता और ऐसा दिखाते हैं कि हम मतलब ये करें तो हम ये नहीं कर सकते, बट आपको हर काम आना चाहिए। और अम्मी की ज़िम्मेदारी भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अम्मी की ज़िम्मेदारी आपको खाना बना बना के दे, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कभी आप उनको कुछ बना के दे। आज के तो ज़माने में ऐसी हो गई लड़कियाँ कि हम बस वीडियो बना रहे हैं या फिर दूसरे काम कर रहे हैं, तो हम मतलब ये सब कुछ कर ही नहीं सकते, पता नहीं क्यों ऐसी सोच बन गई लोगों की। बट सब कुछ करना आना चाहिए आपको, आपका ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी अम्मी की भी हेल्प करें और घर में काम वाम करें। अगर आप बाहर के भी कोई काम कर रहे हो तो आपका काम है कि आप घर के भी सारे काम करें, ऐसा नहीं है कि आप थके हारे आ रहे हो। अम्मी को भी तो छुट्टी चाहिए यार, अम्मी को भी तो काम धंधे से छुट्टी होनी चाहिए ना, उनको भी आराम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हर किसी का अपना अपना वैसी सोच है। सो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाली एंड उसको थोड़ा फ्राई होने दिया, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, थोड़ी सी क्रिस्पी होनी चाहिए प्याज। और इसमें मैंने हरी मिर्ची का ठेचा डाला, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप नॉर्मल हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं बट अगर ठेचा डाल दोगे ना, तो उससे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ ना गाइस, तो हम लोग हर चीज़ में ठेचा डालते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे भी रोटी वोटी से खाने में बहुत अच्छा लगता है ठेचा। तो इसको मैंने थोड़ा सा पकने दिया, इसमें थोड़ा गरम मसाला डाला, हल्दी डाला, ज़्यादा मैंने मसाले नहीं ऐड किए क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है सादा ही, तो इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसको पकने दूंगी थोड़ी देर, तब तक और सॉफ्ट होएगा ना, तब तक और पकने दूंगी मैं इसको। जब तक ये पक रहा है तो मैं साइड में यहाँ रोटियाँ डाल रही थी, रोटी नहीं, मैं चौकोन वाले पराठे बना रही थी इसके साथ, वही अच्छे लगते हैं। और चाय में, चाय के साथ भी हमारे पराठे खाते हैं, तो सुबह का टाइम था तो इसलिए मैंने ये चाय पराठे, और ये मतलब ये हो जाएगा, तेज़ भी हो जाएगा, कुछ मीठा भी हो जाएगा। और चौकोन पराठे मेरे यहाँ खाना पसंद करते हैं, थोड़ा तेल लगा के ना ये सॉफ्ट बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। सो ये बना लेंगे और फिर यहाँ आज का यही था, शुरुआत कुछ ऐसी हुई सुबह की खाना बनाने से, ब्रेकफास्ट बनाने से। सो मैं जल्दी जल्दी यहाँ चौकोन पराठे बना लूँगी। सो गाइस, खाना वाना होने के बाद में बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो यहाँ मैंने सोचा साथ के साथ बर्तन भी धो लेते, वरना ये फिर और जमा हो जाएंगे तो फिर बाद में और तरास आता बहुत सारे बर्तन धोने के लिए। अभी भी ठीक ठाक हो गए थे वैसे, बहुत सारे हो गए थे। सो मैंने एक एक करके सारे बर्तन धोए, इनको वॉश किया और साथ साथ में जमाती भी जा रही थी रैक में,
क्योंकि फिर वो अलग रखो, फिर वो हमारे यहाँ वैसे भी ऐसी रैक है जिसमें नीचे से पूरा पानी निकल जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, बर्तन को सुखाओ और फिर जमाओ इसमें। सो बस यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बर्तन धो लूँगी और ये आज मेरी सुबह की शुरुआत है, मतलब खाना बनाना, बर्तन धोना। और वैसे भी दो तीन दिन की छुट्टी है, ज़्यादा कुछ करना वरना है नहीं, तो मैंने सोचा सारे घर वर के काम सब मैं ही निपटा लूँ अच्छे से, जो भी डीप क्लीनिंग वगैरह होती है वो सारी मैं ही कर लेती हूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग बैगन का भरता जो मैंने बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और सबको बहुत पसंद आया था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इस टाइप से बनाऊंगी ना आप तो गैस वैस भी कम जलती है और उसमें वो प्रॉपर धुएँ वाला जो टेस्ट आता है ना वो आ जाता है। मैंने सीखा था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी ज्वेलरी अपनी ऑर्गेनाइज करूँ क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा अभी ऐसे पड़ा हुआ है सब। सो मैंने अभी करनी थी अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज क्योंकि मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अभी बेतरतीब रखी हुई है, स्पेशली मेरी बैंगल्स, और मुझे बैंगल्स का काफ़ी शौक है वैसे। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं बैंगल्स को सही से रखूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ मेरी सारी बैंगल्स, थोड़े बहुत अपना कलेक्शन भी दिखाती हूँ ज्वेलरी का, बेसिकली अपनी बैंगल्स दिखाती हूँ आपको, जो जो मेरे पास में हैवी वाली जो कंगन आती है ना वो है वो दिखाती हूँ। डेली ब्लॉगिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या, क्योंकि कभी मेरा कहीं बाहर जाना हो जाता है तो मैं उस टाइम पे फ़ोन ले जाती हूँ, तो हर वक्त सिर्फ फ़ोन ले जाके मतलब शूट करना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। फिर मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर पाऊँ। आई होप आपको ये मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करा करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको लोग पसंद आ रहे नहीं आ रहे, आप लोग देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, नहीं तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, है ना। अभी जो है मैं ज़रा वो काम कर बॉक्सेस निकालती हूँ मैं अपनी चूड़ी के, फिर उसको हम करेंगे सेट। तो ये है जी मेरी चूड़ी के दो बॉक्सेस जिसमें मैं अपनी बैंगल्स रखती हूँ, तो मुझे इनको करना था सेट। ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रखी है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं कितनी बुरी तरीके से रखी है, देख सकते हो बिल्कुल एक दूसरे में मिल गई है मेरी सारी बैंगल्स। समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चूड़ी किस पे की है, बहुत सारे सेट मेरे मिक्स एंड मैच हो गए, सो सबको मुझे सेट करना है। एंड गाइज मैंने इनकी ऑलरेडी अपने मतलब मैं चैनल पर डालूंगी, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है साथ के साथ, आपको दिखाती भी जा रही थी मैं कि मेरे पास कौन कौन से बैंगल्स है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी तो मुझे इतनी लंबा व्लॉग रखना नहीं था, कुछ 35-30 मिनट का व्लॉग हो जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं वो अलग से वीडियो डाल दूँगी, आप लोग आज ही मैं डाल दूँगी वो शाम तक के, तो आप लोग वो भी देख लेना, मेरे सारे बैंगल्स का सेट कलेक्शन मैंने दिखाया है उसमें। तो ये बस कुछ कुछ दिखा रही हूँ आपको, तो मैं इन सबको जो है अभी अच्छे से सेट करती हूँ एंड फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास कितनी सारी बैंगल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे शौक़ भी है बैंगल्स का तो इसलिए मैं रखती हूँ। सो गाइस ये सारी मैंने अपनी बैंगल अभी अलग करके निकाल ली हूँ, इसको मुझे अच्छे से सेट करना है। मैं सोच रही हूँ इसके नीचे मैं कपड़ा बिछा के आपको प्रॉपर सारी एक एक करके बैंगल्स दिखाऊँ। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा इतनी प्यारी खूबसूरत मेरी बैंगल्स है, बट इसमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये बेडशीट बहुत बुरी मतलब बुरी नहीं लेकिन ये कलर इस पर अच्छा नहीं दिख रहा। कि अभी मैंने सब कुछ अलग कर लिया है बॉक्सेस में से, सब निकाल के मैंने सबके एक 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 मतलब बिल्कुल सही से रख दिया, जैसे ये पूरे सेट, ये सेट, ये सेट, ऐसे सब मैंने अभी जमा दिया। तो अभी जो है मैं इसके थंबनेल के लिए कर रही हूँ, सोच रही हूँ मैं इसका एक थंबनेल और से। सो इन बैंगल्स को मैंने कुछ अब ऐसे सेट किया है, मैंने एक तरफ सारे अपने कड़े रख दिए और एक तरफ सारी अपनी चूड़ियाँ रख दी है, चूड़िया के भी मैंने सब मतलब सही से जमा के रख दिए। मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है, ये पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना पहले तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी डिटेल वीडियो दिखाती हूँ आपको, मतलब शाम में डालती हूँ तो आप लोग देख लेना। एंड बाहर का मौसम कुछ इतना ज़्यादा माशाल्लाह हो रहा था गाइस, बारिश हो रही थी, पानी आ रहा था, ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ बारिश को, मुझे बहुत अच्छी लगती है बारिश।
सो बारिश की वजह से कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो अम्मी ने बोले कि आज डिनर हम बाहर से ही मंगवा लेते हैं। सो हमने ये KGN से पार्सल मंगवाया था बिरयानी का। KGN की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मोमिनपुरे में होटल है ये KGN करके, ख्वाजा गरीब नवाज करके ऐसे कुछ होंगे, बट KGN बोलते हैं। तो वहाँ की ना बिरयानी बहुत अच्छी होती है गाइस, मटन चिकन जो भी बिरयानी वहाँ की होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत मसाला उसका बहुत अच्छा होता है एंड चावल वावल भी बहुत अच्छे होते हैं। घर में कितना भी ट्राई करो ना ये ऐसी बिरयानी नहीं बनती। मतलब मैं माशाल्लाह अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ, बट इसके जैसी नहीं बना सकती क्योंकि ये बहुत ही कुछ अलग ही होता है इनका फ्लेवर। सो यहाँ पे बिरयानी आई थी पार्सल एंड इसके साथ दाल होती है, और हमारे यहाँ दाल खाते हैं बहुत सारे लोग ना, रायता खाते हैं बिरयानी के साथ। रायता भी खाते होंगे, अच्छा लगता होगा, बट हम लोग तो दाल खाते हैं यार, दाल हमको पसंद आती है बिरयानी के साथ में। सो यहाँ बिरयानी थी, दाल थी एंड इसके साथ में मीठा भी था, पेस्ट्री वगैरह लेकर आया था। मोमिनपुरे में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती है एंड शोरमा वोरमा भी था, मेरे भाई ने सारी चीज़ें लेकर आया था, तो ये बिरयानी में मिक्स कर रही थी। तो यही आज हमारा डिनर होने वाला है बिरयानी का। सो ये देखिए शोरमा था, ये चिकन शोरमा, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये बहुत इसकी ना चटनी बहुत अच्छी होती है, जो इसकी मेयोनीज वाली जो चटनी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। सो यही आज हमारा डिनर था जो कि बाहर से आया था, क्योंकि घर में बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब वो अलाली आ रही। सो आप लोगों ने KGN वाले की बिरयानी ट्राई करे हो कि मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे अगर आप लोग नागपुर से हो तो तभी आप खा सकोगे, मुझे पता नहीं बाहर मिलती है नहीं मिलती है। अगर आप लोगों नागपुर में भी, और अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर खाइएगा, गूगल पे सर्च करिएगा KGN करके, और आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी होटल नहीं है, थोड़ी छोटी है, लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। और मेन जो स्पेशल जो चीज़ होती है ना वो होटल की खाना ही होता है। आप कितना भी अच्छे से अच्छा कुछ भी हो, अगर वहाँ का खाना अच्छा नहीं है ना तो कोई बात नहीं होती, बट यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जगह उतनी ज़्यादा अच्छी लगे ना लगे आपको, बट जगह भी ठीक ही है, उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। मैं अपने अम्मी अब्बू के एनिवर्सरी में गई थी, उस व्लॉग में मैंने वहाँ प्रॉपर दिखाया भी था आपको। तो डिनर होने के बाद में यहाँ पे हम थोड़ा मीठा कुछ खा रहे हैं, और मीठे में पेस्ट्री थी, पेस्ट्री भी मैं इसे ही लेकर आया था उसने, मतलब मेरे भाई ने। और ये ना पेस्ट्री बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी, और मुझे तो मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ऑलरेडी इसको खा चुकी थी। बताइएगा गाइज़ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कुछ नया देखना चाहते हो तो भी कमेंट करिएगा। कोई अगर आप लोग कलेक्शन वगैरह कुछ देखना चाहते हो, ज्वेलरी कलेक्शन कुछ भी देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी ना डेली व्लॉग्स डालने की। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और थोड़ा लाइक करा करें वीडियोस को, अगर पसंद आती है तो। एंड तक देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, अगर आप लोग एंड तक देख रहे हो तो आपको कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना। सो आई होप आपको आज की मेरा छोटा सा व्लॉग, डे इन माई लाइफ व्लॉग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।